हमारे साथ में इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। दिनेश शर्मा जी, हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं सुनिए सरकार, लोगों की मुश्किलें आप तक पहुंचा रहे हैं, और फोन कॉल के जरिए इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा से जुड़े हुए लोग उस स्टाफ से कि साहब सैलरी अभी जनवरी के बाद हमारी नहीं आई। बहुत सारे लोग दूसरे प्राइवेट सेक्टर के हैं जिनका यह कहना है कि सैलरियां अभी हमारी आई नहीं। सर देखिए, मनरेगा मजदूरों की जो वेतन था वो बढ़ा के 82 रुपए कर दिया गया था, तो मनरेगा के वेतन को बढ़ा दिया गया था जी। और उसको भुगतान भी उन लोगों के खातों में पहुंच गया जी। सरकार द्वारा जो 1000 रुपया देने का काम किया गया था, जो दिहाड़ी मजदूर या इस प्रकार के लोग थे, तो उनके वहाँ भी लगभग अधिकांश लोगों के वहाँ पर RTGS सिस्टम के माध्यम से जो 1000 रुपए की राशि है वो भी पहुंच गई। मगर दिनेश शर्मा जी, मजदूरों को और ऐसे लोगों को तो पैसे दे दिए गए, लेकिन मनरेगा विभाग में जो स्टाफ है जो काम कर रहा है उनके कई सारे कॉलर्स के फोन आए कि साहब हमें अब तक सैलरी नहीं मिल पाई है। नहीं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह की बात आप बता रहे हो जी। सामान्यता वेतन का भुगतान मजदूरी का हो चुका है, अगर कहीं इस प्रकार की विसंगति पाई गई तो सरकार उस पर तत्काल कार्रवाई करेगी जी। तो ऐसे तमाम लोगों को आप आश्वासन देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी मुलाजिम, सबकी सैलरियां अगर जिनकी नहीं आई है एक दो दिन में मिल जाएगी। सर कोई डेडलाइन इसकी हो सकती है कि अगले कितने दिनों तक मिल जाएंगी? सरकार की प्राथमिकता ये है कि वेतन भुगतान में कोताही कहीं किसी भी विभाग में ना हो, और सरकार इस पर अमल भी कर रही है। अभी तक शिकायतें कहीं से नहीं आई हैं। अगर आप जैसा बता रहे हैं कहीं की शिकायत होगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी जी। सर चूंकि आप खुद इस वक्त R9 TV पर हैं और आपको उत्तर प्रदेश की जनता से लेकर देश की जनता सुन रही है, और उनको अच्छा लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उनको आश्वासन दे रहे हैं, ये जो कमियां निचले स्तर पर रह जाती हैं आप लोगों की तरफ से तो उसे जारी कर दिया गया, कुछ लोगों के अकाउंट्स में जो नहीं पहुंच पाए, इन कमियों को दूर करने के लिए कोई नया मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा? मैं फिर से उसी चीज को दोहराऊंगा क्योंकि आपके प्रश्न लगभग एक से हैं कि कहीं कोई खामी रही होगी तो सरकार उसको पूरा करेगी, क्योंकि भुगतान में कहीं ऐसा बीच का कोई रुकावट नहीं होती। जब RTGS सिस्टम के माध्यम से भुगतान होता है तो बीच में कोई रुकावट का प्रश्न नहीं आता है। अगर कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी तो उसका निवारण किया जाएगा जी। ये तो रही बात है सरकारी मुलाजिमों की, मगर सर जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, बहुत सारी कंपनियों की तरफ से भी सैलरी रिलीज नहीं की गई है, आज 10 अप्रैल हो चुका है, उनके लिए कोई एक बार फिर से दोहराएंगे, उनको याद दहानी कराएंगे, सर क्या करें? सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दोनों जगहों के लिए वेतन भुगतान के आदेश दिए थे और उसको कड़ाई से उसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है जी। और मुझे खुशी है कि प्राइवेट जगहों पर अधिकांश जगहों पर भुगतान भी किए गए हैं। बीच बीच में अगर कहीं की शिकायतें आती हैं तो संबंधित जो जिले के अधिकारी होते हैं वो संपर्क करके उसका निवारण कराते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपके पास कहीं किसी की शिकायत आ रही हो जी, तो आपको चाहिए कि वहां के जिलाधिकारी तक का उस जिले के लोगों से कहिए कि वो अपने जिलाधिकारी को संपर्क करें, वो उसका निवारण कराएं। बहुत शुक्रिया आप दिनेश शर्मा जी R9 TV के माध्यम से स्थिति साफ करने के लिए और लोगों को आश्वासन देने